गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, ईवीएस में आज हम लेसन नंबर 22 करेंगे, जो कि स्काई के बारे में है। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है ना। इससे पहले हमने एयर वाला किया था, उसके बाद एक चैप्टर छोड़ दिया है, और उसके बाद 22 चैप्टर में हम लोग डिफिकल्ट बर्ड्स और नेम टू करेंगे। इस चैप्टर में स्काई के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे सिंपली हम स्काई में क्या क्या देखते हैं। स्काई में तो बेटा सन, मून, स्टार्स, क्लाउड्स होते हैं, है ना। तो इसी में बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। जैसे आपने कभी नोटिस किया है, जैसे सन में जो मून है उसकी शेप हमेशा एक जैसी नहीं ना रहती है। तो कभी तो वो पूरा गोल राउंड शेप में दिखाई देता है, कभी थोड़ा सा कम, कभी आधा, कभी एकदम बिल्कुल बहुत छोटा सा, जो नजर में भी नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मून की शेप्स बोलते हैं। ओके। और इसके अलावा जैसे आपको ईस्ट और वेस्ट, ये क्या है, डायरेक्शंस हैं, दिशाएं हैं। जैसे सन कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से, और सनसेट कहाँ से होता है, वेस्ट से, पूरब और पश्चिम। ओके। तो आज हम इसी चैप्टर का डिफिकल्ट वर्ड्स और नेम टू करते हैं। जैसे नंबर वन, PLEASING, प्लीजिंग, PLEASING, प्लीजिंग। अब इसका मीनिंग क्या होता है, प्लीजिंग होता है बेटा जो मन को अच्छा लगे, जिसको देख के मन को खुशी हो, मतलब लुभावना, जो अच्छा लगे मन को, प्लीजिंग। नेक्स्ट है EAST, ईस्ट। ईस्ट जैसे कि मैंने अभी बताया, दिशाएं होती हैं, दिशाओं के नाम। जैसे ईस्ट को क्या है, पूरब, पूरब दिशा, ईस्ट। नेक्स्ट है WEST, वेस्ट। ये क्या है, पूरब के बाद क्या आता है, पश्चिम। तो ये क्या है, वेस्ट क्या है, पश्चिम। नेक्स्ट है HEAT, हीट। हीट मीन्स गर्मी। तो सन हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट। हीट मीन्स गर्मी देता है। और नंबर फाइव में है ROUND, राउंड। राउंड मीन्स गोल। जैसे अर्थ कैसी है, इसकी शेप कैसी है, राउंड शेप में, गोल है। नेक्स्ट है FULLL, फुल। MWN, मून, फुल मून। इस बार से, अभी से आप नोटिस करोगे, आप स्काई में देखोगे आपको फुल मून कब नजर आता है, पूरा चंद्रमा कब नजर आता है, पूर्णिमा के दिन। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप रोज देखोगे तो आपको पता चलेगा बेटा, कभी कभी HALF, हाफ मून, कभी कभी आपको हाफ मून भी दिखाई देता, आधा चंद्रमा, है ना, क्योंकि इसकी शेप जो है घटते बढ़ते रहती है, हर रोज मून की शेप में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है HUGE, ह्यूज। ह्यूज होता है बहुत बड़ा, विशाल। नेक्स्ट है शेप, SHAPE, शेप। शेप मीन्स आकार, है ना। तो जैसे फुल, ये फुल मून, हाफ मून, ये क्या है, आकार ही है, मून के शेप्स ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है COUNT, काउंट। LEWS, लेस, काउंटलेस। अब काउंटलेस क्या होता है, काउंट क्या होता है, काउंट मीन्स गिनती करना, गिनना, है ना। और काउंटलेस जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ऐसे स्काई में किस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, स्टार्स को। तो स्टार्स को हम क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो स्टार्स क्या है, काउंटलेस। नेक्स्ट है TWINKLE, ट्विंकल। तो ये तो सब बच्चों को आता है, ट्विंकल ट्विंकल, है ना। तो ये ट्विंकल क्या है, टिमटिमाना। स्टार्स को अभी देखते हो ना, कैसे
झिलमिल करते हैं या टिमटिमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्विंकल। लास्ट में है LIGHT, लाइट। तो लाइट मीन्स रोशनी, जैसे सन हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट। ओके, तो बेटा ये बहुत इजी है, कितने इजी स्पेलिंग है, छोटे छोटे से हैं, ये आपको बस कॉपी में राइट करते समय में ही लर्न हो जाएंगे। तो इसको बेटा अपना चैप्टर नंबर डाल के EVS कॉपी में बना लेना है। आगे है नेम टू। नेम टू अगर आप इसको ध्यान से सुने होंगे तो नेम टू भी आपको बहुत आराम से आ जाएंगे। जैसे SHAPES, शेप्स ऑफ मून। अब जैसे आप बेटा बुक में अपने से थोड़ा सा कोशिश करना है देखने का, और आप अगर आप अपनी मम्मा के पास बैठते हो या घर में किसी और के पास बुक थोड़ा सा खोल के बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या क्या पिक्चर में दिखाई देता है। जैसे उसमें मून की शेप्स भी हैं, है ना, तो सन के बारे में भी है। और आगे हम इस चैप्टर को वी रीड करेंगे। ओके, तो जैसे अब मून की शेप्स कौन कौन सी हैं, आप इजी वे में लिख सकते हो FULL फुल, MWN मून, और HALF हाफ, MWN मून। मून के स्पेलिंग तो सब बच्चों को आते हैं, फुल और हाफ के भी आ जाएंगे। ठीक है, तो शेप्स ऑफ मून में फुल मून, हाफ मून, ठीक है, और उसके बाद एक है वी सी इन द स्काई। तो स्काई में हम लोग क्या क्या देखते हैं, स्काई में जैसे सन मून स्टार्स ये सब सब होते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, क्लाउड्स भी होते हैं। लेकिन आप सन मून भी लिख सकते हो, स्टार्स भी लिख सकते हो, क्लाउड्स भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन इसे अपनी EVS कॉपी में चैप्टर नंबर डाल के ये दोनों चीजें जरूर बना लेनी है। ओके,